नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। माँ और पिता ने एसएसपी को आवेदन देकर न्याय की लगाई गुहार। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के चाणक्य विहार कॉलोनी निवासी वैभव कुमार अपनी माँ और पिताजी के साथ भागलपुर के एसएसपी कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई है। एसएसपी निताशा गुड़िया को दिए आवेदन में वैभव ने अपने पड़ोसी शंभुनाथ भगत, उनकी पत्नी साधना देवी, पुत्र इंद्र कुमार और उनके दामाद महेश कुमार के द्वारा अपना मकान उन्हें नहीं बेचने को लेकर पूरे परिवार के साथ दोबारा मारपीट करने का आरोप लगाया है। वैभव ने कहा कि 2019 में भी उनके साथ बेरहमी के साथ मारपीट की गई थी, जिसको लेकर थाने में मामला भी दर्ज कराया गया था। वहीं वैभव की मां ने बताया कि उसके पड़ोसी शंभुनाथ भगत का दामाद पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर है और जिस तरह मकान के लिए उनके पूरे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, उससे जल्दी उनका पुत्र अपराधी बन जाता है तो इसके लिए पुलिस विभाग ही जिम्मेदार होगा। जिस विभाग को लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी सौंपी गई है, उसी के अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा लोगों के साथ किया जा रहा व्यवहार पूरे पुलिस महकमे को शर्मसार करने वाला है। सास ससुर वो खुद बाबर का मिसुर किशनगंज से ट्रांसफर लेकर यहाँ खुद हम लोग को परेशान करने के लिए आया है कि मेरा किसी तरह से केस उठा लो, नहीं तो तुमको मरवा देंगे। इससे पहले कोई केस किए थे क्या? हाँ, इससे पहले तो फरवरी 2020 में 2020 केस हुआ था। घर में आदमी पूरा कैसा मेरे घर में छिटकनी ने लगा था नीचे वाला गेट का, तो गेट मेरा खुल गया तो उसमें सब आदमी ये भी घुस गया अंदर और बड़ा वाला रॉड 2 इंची का एंगल वाला रॉड लेके पूरा मेरा पैर एकदम खुचक दिया, हड्डी तोड़ दिया, मेरा सारा कुछ पूरा यहाँ चोट लगा, रॉड से मारा, पूरा इंजरी है, इंजरी है मेरे पास, पैर पूरा कुचल दिया। और उसका फिर अब ये कहता है कि फिर कुछ दिन शांत रहा, उसका फिर कोई भी खुद किया कि एक साल के लिए हमको शांति चाहिए, उसका फिर अभी ये जो है कभी इसी हर जगह पैरवी कर करके इस सब को बरगलाते रहा है। उल्टा जो है ना थाना प्रभारी जो है ना हम ही लोग को डांटने लगता है। हाँ, हम ही लोग को बोलने लगा, हम ही लोग को बोलने लगा। इस बार वाला जो थाना प्रभारी बरारी में आया, मेरे घर के जस्ट 10 कदम आगे ही रहता है, लेकिन उसको उससे कोई मतलब नहीं। प्रमोद कुमार साहब उससे इसको कोई मतलब नहीं। मिले कभी प्रमोद जी से जाके? हाँ, फोन भी किए। जब ये ऐसा फिर जब हम कैमरा लगाए अपने घर में, जब ये 8 तारीख को फिर ये घटना हुई, सारा बताते हैं कि आप ही का गलती है, सारा हम ही लोग का गलती है। ये कैमरा में दिखाते हुए बोलते हैं कैमरा का सब ये सब फेक है, ये वीडियो सारा फेक है। क्या करते हो? हम अभी पुलिस ने कब मारपीट किया तुम्हारे साथ? कहाँ जख्म देखे? ये सारा ये सब है ईटा पत्थर जो चलाया है ये लोग, पूरा ईटा पत्थर चलाया है। हाथ कहाँ है? खूब चलाया है पुलिस का लाठी उठी सब ले करके ये लोग पिछले साल से क्या लगता है इसके पहले आप कभी नहीं गए थाना पर? किस किस थाने गए आप? आज नहीं थे वो, बदमाश बना देंगे, पुलिस समाज कह रहा है कि बदमाश हो गया।
रिपोर्ट देने के लिए। मेरा मामला क्या है? मेरा मामला ये है कि मेरा बच्चा लोग हमेशा टॉर्चर कर रहा, मारपीट कर रहा। महेश कुमार, महेश कुमार की पत्नी, उसका सास ससुर, थाना प्रभारी है, थाना प्रभारी है तिलका माझी का। वो हमारे साथ अत्याचार कर रहा, मेरा बच्चा लोग के साथ। बचा लो मेरे बच्चा को। अगर मेरा बच्चा बदमाश बन जाएगा तो आज का युवा बदमाश हो रहा है, बन जाएगा। बचा लो। कारण क्या है? कारण यही है, कुछ मेरा जमीन बेच के भागो, घर से भाग जाओ, नहीं रहने देंगे। बेचो हमको, हमको बेच दो, भाग जाओ घर छोड़ के, नहीं तो तुम्हारा बेटा को मरवा देंगे। हमारा मदद करो सब मिल करके। मेरा पति कैंसर पेशेंट है, मेरा पति कैंसर पेशेंट है, हमको बचाओ, मेरा बच्चा लोग का रक्षा करो। मेरा बच्चा लोग बहुत मेहनत से घर बनाए, बहुत बच्चा को मेहनत से आगे बढ़ाए। पहले कब से हुआ? हाँ यार, फिर 8 तारीख हुआ, फिर तो उस वक्त 3 बार और उतर चुका है लोग मारपीट मेरे साथ। 3 बार डर घुस के एक मुकदमा चल रहा है, लेकिन फिर भी लोग का डर नहीं है। समाज को मिला के रखा, हमको बचाओ। मार देगा, मेरा पति कैंसर पेशेंट है, मेरा पति को मार देगा, मेरा बच्चा को मार देगा। मेरी मदद करो, इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।